चलिए आज देखते हैं चॉकलेट केक डेकोरेशन के सिंपल पर बहुत ही अमेजिंग आइडियाज। उसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है ये मेल्टेड डार्क कंपाउंड। इसे एक ओएचबी शीट पर डाल देना और फिर स्पैचुला की सहायता से अच्छे से फैलाना। इसे थोड़ा सा थिक ही रखना इस लेयर को, ज़्यादा पतला नहीं करना है हमें। और अब इस तरीके के स्क्रैपर की सहायता से इस पर लाइंस बनाएंगे। ऐसा स्क्रैपर आपके पास ना हो तो थोड़ी सी थीक कार्डबोर्ड के टुकड़े पर ऐसे डिज़ाइन बनाकर आप होममेड स्क्रैपर भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब साइड से इसे ट्रिम करके एक्स्ट्रा का चॉकलेट हटा देना। अब बस एक दो मिनट से फ्रिज में रखना। उतने समय में यहाँ पर मैंने ये व्हाइट कंपाउंड को भी मेल्ट कर लिया है। एक बार इसे चेक कर लेते हैं। साइड में थोड़ा सा सूख गया है, बीच में अभी भी उंगली में थोड़ा सा चिपक रहा है। इसे और एक दो मिनट सेट करना पड़ेगा। अब ये देखिए उंगली में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा, ये हर जगह से अच्छे से सेट हुआ है। बस ध्यान ये रखना इसे इससे ज़्यादा ड्राई हमें नहीं करना। चलिए ये व्हाइट कंपाउंड भी नॉर्मल टेम्परेचर पर है, इसको इस तरीके से शीट पर फैला कर डाल देना। और सेम वे से स्पैचुला से बिल्कुल हल्के हाथों से फैलाना इसे। इस तरीके से इसे अच्छे से फैलाने के बाद डार्क कंपाउंड को हमने जितना सुखाया था उतना ही इसे भी सेट करेंगे ताकि ये हाथों में चिपके ना। फिर से थोड़ा सा ट्रिम करके अब स्केल से मेजर करके मैं इसमें 3-3 सेंटीमीटर के मार्क लगाऊंगी। सेम वे से यहाँ से भी ट्रिम किया है मैंने और यहाँ पर भी मार्क लगाएंगे ताकि एकदम स्ट्रेट लाइंस खींच सके हम। अब बस दोनों तरफ के पॉइंट्स को जोड़ते हुए यहाँ पर कट लगाएंगे। नाइफ से भी कर सकते हो आप, पर स्केल से ज़्यादा ईजी रहेगा। याद रखना चॉकलेट पूरी तरह से सूखने से पहले ही आपने ये काम करना है, बाद में आप इसे इस तरीके से कट नहीं कर सकते। यहाँ पर भी 5-5 सेंटीमीटर पर इस तरीके से हमने इसे काट लिया है। अब बस इसे हम फ्रिज में पूरी तरह से ड्राई होने तक रखेंगे और जब अच्छे से ये सूख जाता है, देखिए कितना इजीली निकल जाता है, ये बहुत ही सुंदर भी दिखता है। इसे आप केक के साइड्स में लगाने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, पर मैं आज इसे टॉपिंग में यूज़ करूँगी। तो इस तरीके से बढ़िया सा चॉकलेट गार्निश बनकर तैयार है। अब जो चॉकलेट गार्निश हमने बनाया था उसमें से 2-4 आप केक के टॉप पर इस तरीके से लगा देना, साथ में ही इस पर 1-2 चेरी रखो तो भी अच्छा दिखेगा। अब हम डेकोरेशन करेंगे चॉकलेट फ्रूट केक का। ये देखिए यही गार्निश यूज करेंगे हम। इन्हें इस तरीके से केक के टॉप पर लगा देंगे। केक काफी सॉफ्ट है दोस्तों, लगाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। देखिए किसी टोकरी जैसा लग रहा है ना। अब इसमें हम ग्लूकोज सिरप से कोटेड फ्रूट्स को सजा देंगे। फ्रूट्स को अरेंज करते समय ध्यान रखना कि सारे कलर्स इसमें दिखे और ये केक के ऊपर की फलों की टोकरी एकदम कलरफुल लगे। थोड़े से चेरीज भी मैंने इसमें रखे हैं और आप देख सकते हो कितना सिंपल और सुंदर डेकोरेशन है। अब बस स्पेस में एक छोटी सी बॉर्डर बनाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा ये। नेक्स्ट चॉकलेट गार्निश के लिए मैंने व्हाइट कंपाउंड को डबल बॉयलर से मेल्ट कर लिया है। अच्छे से मेल्ट हुआ है ये, पर अभी थोड़ा सा गर्म है। पूरी तरह से ठंडा होने के बाद ये धीरे धीरे से फिर से गाढ़ा होने लगेगा, सूखने लगेगा। तो हमें ना ही एकदम पतला चॉकलेट चाहिए और ना ही एकदम गाढ़ा। ये देखिए अगर इस तरीके के पतले चॉकलेट से आप डेकोरेशन ट्राई करते हो तो देखिए क्या होगा। बटर पेपर के ऊपर मैंने हार्ट शेप तो बनाया है, पर क्योंकि ये चॉकलेट पतला है ये धीरे धीरे फैलने लगता है, शेप को होल्ड नहीं कर पाता। पर अगर चॉकलेट थोड़ा सा गाढ़ा है तो आपका मन चाहा शेप आप बना सकते हो। मैंने यहाँ पर ये छोटे छोटे हार्ट शेप बनाए हैं, आप स्टार बना सकते हो या फिर जो डिज़ाइन आपको अच्छे लगे आप बना लेना। इन्हें 1-2 मिनट फ्रिज में रखो तो ये देखिए यूज़ करने के लिए ये रेडी है। अब केक के साइड में इन्हें चिपकाओ तो बहुत ही बढ़िया लगेगा केक।
इसी मेल्टेड चॉकलेट से मैं केक के ऊपर हैप्पी बर्थडे लिखूंगी। अब चॉकलेट को मेल्ट करते समय उसमें थोड़ा सा दूध मिला दो और उस चॉकलेट गनाश से ये राइटिंग करो तो और भी अच्छे से लिख पाओगे। कैरेमल चॉकलेट केक के डेकोरेशन के लिए मैंने पाइपिंग बैग में भरा है ये मेल्टेड डार्क कंपाउंड चॉकलेट। इसमें मैंने बिल्कुल छोटा सा कट लगाया है और अब इस पेपर पर इस तरीके से क्रॉस में लाइंस बनाते जाएंगे। हाथ को बस इस तरीके से हिलाना है आपने। इसमें बहुत ज़्यादा परफेक्शन नहीं है तो भी कोई बात नहीं, बीच में अगर कहीं पर ज़्यादा गैप दिखता है तो वहाँ पर भी आप इसे डाल सकते हो। सेम प्रोसेस अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे जिससे एक बहुत ही सुंदर सी चाली की डिज़ाइन बनेगी। यहाँ पर बस एक चीज़ का ध्यान रखना, ये जो डिज़ाइन हम बना रहे हैं ये बहुत ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए ताकि उठाते समय ये ब्रेक ना हो। ये देखिए, अब आगे बढ़ने से पहले एक बार थोड़ा सा टच करके देखना, इसे थोड़ा सा सूखने लगा है। अगर आप इसे बहुत जल्दी जल्दी में उठाने की कोशिश करो तो चॉकलेट बहने की या डिज़ाइन ख़राब होने की पॉसिबिलिटी है, तो एक दो मिनट वेट करके फिर आगे की प्रोसेस करेंगे। पर हाँ, अगर ज़्यादा भी देर करो तो चॉकलेट ड्राई होकर टूटने लगेगा, फिर आप इसे केक पर सेट नहीं कर पाओगे। इसीलिए सही समय पर धीरे से इस चॉकलेट लेस को उठा कर इस ठंडे ठंडे केक के साइड में बिल्कुल सावधानी से इसे चिपका देना। ये देखिए, एक्स्ट्रा का पोर्शन आप चाहो तो अभी काट सकते हो या फिर बाद में भी काफ़ी आसानी से ये निकल जाएगा। अब 15 टू 20 मिनट्स इसे फ्रिज में अच्छे से सेट होने देना और उसके बाद देखिए पेपर कितने इजीली निकल आएगा, बहुत ही लाजवाब। बहुत ही सुंदर चॉकलेट लेस बनकर तैयार है दोस्तों। अब और ज़्यादा डेकोरेशन की इसे ज़रूरत ही नहीं है, बस एक छोटे से स्टार नोजल से केक के टॉप पर ऐसे डिज़ाइन बनाएंगे और सेम नोजल से बेस में भी बहुत ही सिंपल सी डिज़ाइन बनेगी। अब फिर से मैंने लिया है ये डार्क कंपाउंड, इसे मैंने फ्रिज के बाहर रूम टेम्परेचर पर ही स्टोर किया था, तो आप देख सकते हो कद्दूकस से कितना अच्छा सॉफ्ट शेविंग बन रहा है इसका। इस ब्यूटीफुल चॉकलेट शेविंग से इस तरीके से केक के टॉप को सजाएंगे और जैसे मैं दिखा रही हूँ वैसे चम्मच से ही आप इसे उठाना। हाथों से उठाने की कोशिश करोगे तो हाथ भी खराब हो जाएगा और शेविंग्स भी खराब हो जाएंगे। और फाइनली इन चेरी से केक को फाइनल लुक देंगे। तो दोस्तों, आप भी इस तरीके का केक, ऐसा डेकोरेशन एक बार ज़रूर ट्राई करना। नेक्स्ट चॉकलेट गार्निश के लिए थोड़ा सा मेल्टेड वाइट कंपाउंड और मेल्टेड डार्क कंपाउंड लिया है मैंने। अब एक बटर पेपर पर हम इनसे डिज़ाइन बनाएंगे। डिज़ाइन के दो तीन आइडियाज़ मैं आपको दे देती हूँ। इस तरीके से दोनों चॉकलेट डालने के बाद आप देख सकते हो टूथपिक से कितनी अच्छी डिज़ाइन बनी है। इसको आप ऐसे ही स्पाइडर के नेट की तरह छोड़ सकते हो या बाहर से अंदर खींचो तो इसका फूल बन जाएगा। अगर आपका चॉकलेट थोड़ा गाढ़ा हो जाता है तो आप सिंपली इससे ऐसे नूडल्स की तरह डालकर खूबसूरत डिज़ाइन बना सकते हो। इस मेल्टेड चॉकलेट से बहुत कुछ हम कर सकते हैं। आने वाली वीडियोस में मैं आपको नई नई चीज़ें बताती रहूँगी। चलिए, अभी के लिए हम इस बचे हुए डार्क चॉकलेट से चॉकलेट गनाश बनाएंगे। तो अब मैं इसमें बस थोड़ा सा दूध डालूँगी, साथ में ही अच्छे ग्लो के लिए आधा चम्मच बटर भी डाला है। रूम टेम्परेचर पर आने के बाद इसे केक के ऊपर डाल देना। अच्छे से फैलाने के बाद अब थोड़ी देर फिर से इसे फ्रिज में रखेंगे। तब तक ये देखिए, फ्रिज में रखे अपने चॉकलेट्स के डिज़ाइन 5 मिनट में रेडी है और एक से बढ़िया एक लग रहा है। गनाश सेट होने पर अब हम क्रीम से अपने केक को डेकोरेट करेंगे।
अब ये सिल्वर बॉल्स और स्पेशली ये चॉकलेट अपने केक पर चार चांद लगाएंगे। तो दोस्तों, आपको ये केक कैसा लगा ये कमेंट्स में हमें ज़रूर बताना। वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ है, पर देखते रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।